दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेट एग्जाम में। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी, ठीक है, साथ ही शिक्षक भर्ती परीक्षा 2020 और आर ओ ए आर ओ के लिए इम्पॉर्टेंट, साथ ही आपके यू पी पी सी एस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो। सो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा शुरू से अंत तक फ्रेंड, साथ में अब भी सॉल्व करते चलिए। और हाँ, आपको ये भी बताना होगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, पूरी व्याख्या किस सहित फ्रेंड। सो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है डैश। ये सारे क्वेश्चन वही जो पीसीएस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे आपका बीईओ या फिर आरओ या फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा 2020। सो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी सौराष्ट्र। सौराष्ट्र यानी वर्तमान में गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में मादर नदी के नज़दीक है। साथ ही इसकी खुदाई 1953 में, ध्यान दीजिएगा डेट, 1953 में रंगनाथ राव द्वारा हुई। यहाँ पर क्या है कि पूर्वकालीन हड़प्पा संस्कृत के अवशेष मिले, यहाँ धान की भूसी के ढेर मिले, यहाँ पर वर्ती हड़प्पा संस्कृत के भी साक्ष्य मिलते हैं फ्रेंड। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी 1929 में, 16 जुलाई 1929 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी ICAR की स्थापना हुई। उस समय इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुई थी फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न है, धान में खैरा रोग की बीमारी का कारण क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी जस्ते की कमी की वजह से। क्या है कि धान में खैरा रोग होता है जिसमें क्या है कि पत्तियां आपकी पीली हो जाती है। ओके, सारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी मिलिंद पनहो। ये एक पॉली ग्रंथ है, ठीक है, जिसमें हिंद यवन शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्तालाप का वर्णन किया गया है और साथ में इसमें व्यापारिक मार्गों का उल्लेख नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना में किसे शामिल नहीं किया जाता है फ्रेंड। ध्यान दीजिए, यहाँ पे नहीं शब्द लगा है तो आपको बताना है इसमें किसे शामिल नहीं किया जाता। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी फ्रेंड, तार संचार, यानी सामाजिक अधिसंरचना में हम शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि आता है तथा दूरसंचार, सड़क, रेलवे, ऊर्जा ये नहीं आते। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ती। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए बताइए फ्रेंड। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी हरियाणा। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था क्या थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी भू राजस्व। 14वीं शताब्दी में उत्पन्न विजयनगर साम्राज्य को मध्ययुग और आधुनिक औपनिवेशिक काल के बीच का संक्रमण काल कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य का नाम तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित इसकी राजधानी के नाम पर पड़ा। ओके, साथ ही विजयनगर साम्राज्य में चार राजवंशों का नाम है, जिसमें आपका पहला है संगम वंश, दूसरा सालुब वंश, तीसरा तुलुब वंश और चौथा अरविडु वंश। ओके, विजयनगर साम्राज्य की आय के जो प्रमुख स्रोत थे, लगान, संपत्ति कर, व्यवसायिक कर, उद्योग पर कर, सिंचाई पर कर, योमचारा गाह पर कर, उदान कर और अनेक प्रकार के थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
फ्रेंड नोट करते चलिएगा, साथ में आपको ये भी बताना होगा अगर आंसर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी पाटलिपुत्र का। ठीक है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था किसका, पाटलिपुत्र का यानी मगध के समीप स्थित पाटलिपुत्र के लिए किया जाता है। यहाँ पर हुए उत्खनन में कुम्रहार एवं बुलंदी बाग से पाटलिपुत्र से संबंधित अभिलेखीय साक्ष्य मिले। तो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक मूल का है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी मूंगा। मूंगे छोटे छोटे जलीय जीव होते हैं तथा इनमें सुचारू रूप से जैविक पोषण की प्रक्रिया संचालित होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान महासभा सबसे पहले कहाँ आयोजित की गई थी। सारे टॉप क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी लखनऊ में 1936। डेट याद रखिएगा 1936 में, यानी क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। ओके, यानी प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की एवं आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अग्रणी नेता एन सी रंगा को किसान सभा का महासचिव नियुक्त किया गया। यानी अध्यक्षता करने वाले स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं अग्रणी नेता महासचिव आपके एन सी रंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 1917 में। ओके, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1917 में की। एम ई सेंडलर इस आयोग के अध्यक्ष थे। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए बताइए फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी बर्नियर को। फ्रांसवा बर्नियर ये क्या था कि एक फ्रांसासी यात्री पेशे से चिकित्सक था। ये शाहजहां के दरबार से संबंधित था जो मुगल सेना में एक चिकित्सक रूप में कार्यरत था। ठीक है, ये दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकार की लड़ाई का साक्षी था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड, निम्न में से दामोदर नदी कहां से निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए बताइए फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। ठीक है, तिब्बत से निकलने वाली नदी आपकी सतलज सिंधु ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, जिसमें सतलज तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से निकलती है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी राजगृह। महाजनपद काल में मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध की स्थापना हरेक वंश के बिम्बिसार ने किया था और राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। ओके फ्रेंड, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, वह बड़ा द्वीप कौन सा है जहां एस्किमो रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ये आपके कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के निवासी एस्किमो जो हैं वो बर्फ का घर बनाकर उसमें रहते हैं। इनके घरों को इग्लू कहा जाता है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील कौन सी है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी सुपीरियर। लेक सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले
कौन से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी जौनपुर और बागपत अधिकतम न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले हैं। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में कहां स्थित है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी अरुणाचल प्रदेश में। ओके, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस खान से एंथ्रेसाइट कोटि का कोयला पाया जाता है, जो एक उच्च कोट का कोयला होता है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 70, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 70 में कहा गया कि यदि कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जब भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को संपन्न करने में असमर्थ हो तो भारतीय संसद को उनके कार्यों के संपादन की व्यवस्था करनी होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं शब्द लगा है, तो आपको बताना है वो सदस्य नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी राज्यसभा। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपबंधित किया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। अतिचालक का लक्षण क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ठीक है, अनंत पारगम्यता। अब हम बात करते हैं अतिचालकता, यानी किसी चालक पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध से संबंधित है। इसकी खोज 1911 में के लिथ ओन्स ने की थी, यानी साधारणतया चालक धातुओं का प्रतिरोध ताप कम करने पर घटता जाता है तथा एक निम्न ताप पर आकर रुक जाता है। ओके, अतिचालकता की अवस्था में धातुओं में विद्युत धारा बगैर किसी बाह्य विद्युत स्रोत के बहती रहती है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी रेडियो तरंगों की जो तरंग लंबाई है सबसे अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी लाइकोपीन। टमाटर का लाल रंग, किशमिश का गुलाबीपन, तरबूज का लाल रंग, ये सब लाइकोपीन नामक रसायन के कारण होता है। इसी प्रकार गाजर का पीला लालपन कैरोटीन के कारण होता है। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्न में से कौन सा एक फल नहीं है? ठीक है, यहाँ पे नई शब्द लगा है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा एक फल नहीं है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी भिंडी। आपको क्या है कि शलजम, चुकंदर, मूली, गाजर, ये तो आपके जड़ हैं। ओके, साथ ही शकरकंद, प्याज, आलू, हल्दी, अदरक, ये तो आपके तने हैं। ठीक, भिंडी एक शुष्क फल है। ओके, तो ये आपका फल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट क्या है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी,